गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे पाठ पांच, नाम वाले शब्द मतलब संज्ञा। नाम वाले शब्द किसको कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं नाम वाले शब्द। तो आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। तो इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि नाम शब्द या संज्ञा किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, ये पढ़ेंगे। बच्चों, देखा आपने कि किस तरह किसी वस्तु के नाम से पता चल जाता है कि वह क्या है। आपको भी आपके नाम से जाना जाता है। वास्तव में यही नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे देखिए, अगर आपका नाम नहीं होगा तो आपको कोई कैसे पहचानेगा। जैसे आपका कोई दोस्त है तो आप उसका कोई नाम होगा तब तो आप बताएंगे ना कि ये हमारा दोस्त है। मान लो आपके दोस्त का नाम है राम, ठीक है। अब उसके पास उसका नाम नहीं होगा तो आप अपने घर में कैसे बताओगे कि हमारा दोस्त है एक। उसका नाम क्या, कोई भी पूछेगा आपसे कि नाम क्या है उसका, नाम रहेगा तभी बता पाएंगे। आपका भी क्या नाम है तो आपको भी लोग कैसे जानेंगे कि आप कौन है। नाम से ही जाने जाते हैं सब लोग। तो इसी को नाम को क्या कहते हैं, अपन संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तियों का भी नाम होता है, वस्तुओं का भी नाम होता है, स्थान का भी नाम होता है। वस्तु का मान लो ये पेंसिल है। अब इस पेंसिल को हम, अगर ये पेंसिल नाम नहीं रहेगा इसका तो कैसे जानेंगे क्या है ये। कुछ तो नाम होगा तभी बताएंगे ना कि हाँ ये पेंसिल है, ये किताब है। तो ये सब वस्तु ही। ऐसे ही हर चीज का नाम होता है। अब हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे कि क्या है। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। बोध कराना मतलब बताते हैं उसके बारे में। नाम से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को जो शब्द बताते हैं, जिससे हम जानते हैं कि ये कौन सा चीज है, तो उसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे अब व्यक्ति में, व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वस्तु, बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके नाम अपन नाम से ही जानते हैं कि ये पंखा है, ये लाइट है, ये पेंसिल है, ये पेन है, ये सब नाम से ही जानते हैं। स्थान, हॉस्पिटल, स्कूल, विद्यालय, आपका चिड़ियाघर, पार्क, ये सब क्या है, नाम से ही जाने जाते हैं स्थान भी। और भाव, भाव में क्या आता है, भाव में जैसे कोई चीज मीठी है तो अपन क्या बोलेंगे, जैसे आपने रसगुल्ला लिया तो बोलेंगे इसमें बहुत मिठास है ना। मीठी चीज में क्या रहती है, मिठास रहती, तो वो भाव हो गया। व्यक्ति है तो बोलते ना अपन ये कितना बूढ़ा व्यक्ति है, तो बूढ़ा क्या हुआ, वो भी भाव हो गया। तो इस प्रकार कोई दुखी बैठा है तो ये बहुत उदास है, दुखी है, तो ये भी भाव है। तो ये सब चीजें बताने वाले, जिसका इन सब चीजों का जो बोध कराता है, वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब संज्ञा के प्रकार अपन देखेंगे कैसे। नाम के प्रकार, नाम कई तरह के होते हैं। इन्हें अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। तो कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्तियों के नाम और वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम और भावों के नाम। तो अब इनको जानेंगे हम। व्यक्तियों के नाम में देखिए, जैसे ये पिक्चर बना है ना, यहाँ पर चित्र, इसमें व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, रजनी, सुनील, शिक्षक, दादा, दादी, दर्जी। तो ये सब क्या हो गए, ये व्यक्तियों के नाम हो गए। तो ये क्या हुआ, संज्ञा हो गए व्यक्तियों के नाम। तो अब देखेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम, मेज, कुर्सी, पंखा, घड़ी और किताब, इन सब के चित्र बने हैं ना। तो ये कैसे चित्र सिर्फ दे देते हैं और नाम नहीं देते, तो आप कैसे जानते कि ये सब चीज क्या है। तो हम इसके नाम से ही इसको जानते हैं ना कि ये मेज है, ये कुर्सी है, ये पंखा है, ये घड़ी है, ये किताब है। तो ये क्या हुआ, वस्तुओं के नाम हो गए, ठीक है। फिर स्थानों के नाम, स्थानों के नाम, ये स्कूल हो गया, ये घर है, ये मंदिर है, लाल किला, इंडिया गेट, चार मीनार, और अस्पताल हो गया, चिड़ियाघर हो गया, पार्क हो गया, ये सब क्या है, रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब स्थान है, स्थानों के नाम हो गए। अब आगे देखिए भावों के नाम। भावों के नाम, भाव मतलब, अब देखिए कौन कौन से भाव इसमें दिए हैं।
उदासी, मतलब ये औरत क्या है, उदास है, दुखी है, तो उदासी क्या हो गया, भाव हो गया। फिर हरियाली, जैसे अपन लोग कहीं जाते हैं पार्क में या कहीं खुली जगह पे, बोलते ना अरे यहाँ बहुत हरियाली है, और बारिश के मौसम में तो चारों ओर हरियाली रहती है बाहर निकलो तो ये हरियाली क्या हुआ, भाव हो गया। मिठास, अपन कोई मीठी चीज खाते हैं, बोलते ना ये बहुत मीठी है, तो मिठास क्या हुआ, भाव हो गया, तो मिठास भाव हो गया। फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा जब व्यक्ति की जो अवस्थाएं होती हैं, बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापा, तो ये एक अवस्था है, तो ये भाव हो गया बुढ़ापा। इसी प्रकार फिर देखिए आगे, आओ कुछ और जाने, और कौन कौन सी चीजें जिनको संज्ञा कहते हैं, जैसे देखिए सभी, पशु पक्षियों नदियों पर्वतों देशों फलों सब्जियों फूलों पेड़ों पुस्तकों पदों इमारतों आदि के नाम संज्ञा होते हैं। जो हमने अभी पढ़ा व्यक्ति वस्तु स्थान, इसके अलावा ये सब भी संज्ञा होते हैं। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा, देखिए संज्ञा क्या क्या सीखा, संज्ञा सीखा ना, और कौन कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्ति के नाम, वस्तुओं के नाम और भावों के नाम, स्थानों के नाम। तो इसमें दिया है पहला, सभी व्यक्तियों वस्तुओं स्थानों आदि के नाम होते हैं। फिर सभी नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं, नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। अब ये तो हो गया संज्ञा के बारे में, अब देखिए इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पहला है सही उत्तर के सामने का गोला भरिए। तो इसमें हमको क्या करना है, पहला प्रश्न है क, इस संसार में सबकी पहचान किससे होती है। तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमको एक जो सही होगा उसमें गोला लगाना है, गोला भरना है उस गोले को। तो अभी आपने पाठ में पढ़ा ना कि सबकी पहचान किससे होती है, नाम से, सभी की पहचान नाम से होती है, तो रंग से नहीं होती है, बात से नहीं होती है, नाम से होती है। तो नाम को हम लोग भर देंगे, नाम वाले गोले को। फिर देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा देश का नाम नहीं है। तो इन तीनों में से कौन सा देश का नाम नहीं है देखना है। जापान देश है, भारत देश है, और पीपल क्या है, पेड़ है, ये देश नहीं है, तो ये अलग हो गया, तो इसको हम गोला लगाएंगे। कौन सा नहीं है, तो नहीं है यही। फिर आगे देखिए ग, निम्नलिखित में से कौन सा नाम फल का है। तो फल का कौन सा नाम है तीनों में से, डॉक्टर नहीं है, खरबूजा फल है, और किताबें नहीं है, तो खरबूजा में अपन गोला लगाएंगे, खरबूजा फल है, और किताबें डॉक्टर अलग हो गया। फिर देखिए घ, निम्न में से संज्ञा शब्द पहचानिए। तो संज्ञा क्या होता, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम। तो अभी पहला क्या लिखा, नहीं, तो ये तो कुछ नहीं हुआ, और तीसरा क्या है, उस, ये भी नहीं हुआ, और रमा क्या हुआ, व्यक्ति का नाम, तो रमा व्यक्ति का नाम हुआ, तो ये संज्ञा हो गई, तो ये शब्द संज्ञा हो गया, इसको अपन गोला भर लिए। अब आगे देखिए, जिस तरह हर चीज का नाम होता है, वैसे ही मानव शरीर के अंगों के भी अलग अलग नाम हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं, उनके नाम लिखिए। अपने शरीर में, मानव शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, उनके नाम हमको यहाँ पे लिखना है। आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, केजी में पढ़े हैं सब चीज, बॉडी पार्ट्स, तो वही बॉडी पार्ट्स को आप हिंदी में लिखना है अपन को यहाँ पे। तो देखिए कौन कौन से अंग हैं, हाथ पैर आँख कान सिर होठ जीभ फेफड़ा हृदय यकृत उंगलियाँ घुटना एड़ी छोटी आँत बड़ी आँत आदि। तो इतने अंग अपने शरीर में हैं, तो इन अंगों को आप लिख लेंगे, ये सब आपको कॉपी में करना है, ये भी और ये सब अभ्यास कार्य आपको कॉपी में करना है, और संज्ञा की परिभाषा लिखनी है कॉपी में,
तो ये अब अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। अब देखिए रचनात्मक क्रियाकलाप में क्या दिया है, अपनी कक्षा में उपस्थित किन्हीं चार वस्तुओं के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। अपन जब क्लास में रहते हैं, कक्षा में रहते हैं, तो अपने आसपास कौन सी वस्तुएं रहती हैं? देखिए अपने आसपास अभी हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ी आपके हेल्प के लिए, और आपको खुद नाम भी लिखना और चित्र भी बनाना चार वस्तुओं के। जैसे अपन पहला तो ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड रहता है अपने पास, डस्टर रहता है, चौक रहती है, फिर आपके रूम में लाइट रहते हैं, पंखा रहता है, डेस्क रहती है, कुर्सी रहती है, आपके पास कंपास रहता है, पेंसिल रहती है, तो ये सब चीजें अपने पास पास रहती हैं। इनमें से कोई चार के चित्र आप बना के और यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप घर में कर लीजिएगा बुक में। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब नीचे देखिए, आओ कुछ नया करें। आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, चार्ट पेपर पर उनके चित्र लगाकर नाम लिखिए। तो इसमें आपको चार्ट पेपर पे अभी नहीं करना है, जब एक्टिविटी होगी तब करेंगे, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस के लिए अपनी कॉपी में, कॉपी के एक पेज में, मतलब उसी कॉपी में आप घर में जो जो वस्तुएं हैं उनमें से कुछ वस्तुएं ले लीजिए, 5 या 10, उनके आप चित्र बनाकर उनके नाम लिख लीजिए। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको जब एक्टिविटी दी जाएगी तो आसान रहेगा करने के लिए। तो ये आप अपनी व्याकरण कॉपी में ही कर लीजिएगा, कोई भी 5 वस्तुएं या 10 वस्तुओं के नाम लिख के जो अपने घर में रहती हैं उनमें से उनके चित्र बनाइए और नाम लिख लीजिए। बस इतना ही करना है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।